स्वादिष्ट खान पान हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है और हम हर समय स्वादिष्ट जायकेदार खाने की तलाश में जुटे रहते हैं। तो आज हम निकल पड़े हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर के सुबह के मशहूर नाश्ते बेढ़ई को टेस्ट करने और जानने की कैसे बनती है हाथरस की मशहूर बेढ़ई व खस्ते। तो हम पहुंच गए हाथरस शहर में स्थित आगरा रोड पर गैलेक्सी होटल के सामने, जहां बिकती है मशहूर बेढ़ई व खस्ते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, हम अपने कार्यक्रम इंडियन जायके में आपसे कोई खाने से जुड़ी तमाम बातों पर चर्चा करते हैं। तो आज हम इंडियन जायके कार्यक्रम के तहत आ गए हैं हाथरस के आगरा रोड स्थित गैलेक्सी होटल के पास, जहां पर पंडित जी कचौड़ी वाले यानी बेढ़ई वालों की दुकान बड़ी फेमस है। आपको बता दें, बेढ़ई यहाँ की हाथरस की एक स्पेशल डिश है, जो हाथरस अलीगढ़ एरिया में ही मिलती है। वो एक तरह से कचौड़ी की तरह होती है। यहाँ के खस्ते भी फेमस हैं। तो आइए आज हम यहाँ पे जानेंगे कैसे ये बनते हैं कचौड़ी, खस्ते और बेढ़ियाँ, और यहाँ की फेमस जो बेढ़ई के साथ की सब्जी है, जो हींग वाली सब्जी है, क्या है उसका स्वाद, और बहुत सारी बातें, और वो उन ग्राहकों से भी बात करेंगे जो पिछले कई वर्षों से, दसियों वर्षों से यहाँ की बेढ़ई खा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं किशोर कुमार जी, जो कि पंडित जी बेढ़ई वालों के नाम से फेमस हैं, और यहाँ पे इनका नाश्ता बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग इस नाश्ते को करने आते हैं, जिसे बेढ़ई कहा जाता है, जिसे आप दूसरी भाषा में आप खस्ते या जो है पूड़ी समझ सकते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो कितने वर्षों से आप यहाँ पर ये जो है ढकेल लगा रहे हैं? 2003 से लगा रहे हैं। 2003 से, बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन आपके ग्राहकों की संख्या घट नहीं रही, बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन लोग आते हैं और एक जैसा स्वाद हमेशा आप लोगों के बीच में लाते हैं, तो क्या खासियत है इसकी? ये सब्जी अपनी एक सार बनती है और हींग भरपूर लगाता हूँ इसमें। हींग भरपूर लगाते हैं। अच्छा, इस ये जो आप बेढ़ई ये लगाते हैं, इसमें जो है जो मसाले होते हैं, क्या वो बाज़ार से खरीदते हैं या कुछ अपना नया टेस्ट बनाते हैं आप? बाज़ार से ही खरीद के लाता हूँ सब मसाले साबित। बस उसका कॉम्बिनेशन जो होता है, मिश्रण जो होता है, वो आप अपने अनुसार डालते हैं? हाँ, अपने हिसाब से करता हूँ। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आपके, कितने सदस्य हैं? 5 मेंबर हैं। कौन कौन कितने हैं? 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। क्या क्या करते हैं बच्चे आपके? लड़का नौकरी करता है और लड़की पढ़ रही है। अच्छा, ये क्योंकि हम लोग तो देखते हैं आपके यहाँ सुबह से भीड़ लगना चालू होती है, बस सुबह के समय ही आप लगाते हैं, तो 12 बजे तक। ये एक हाथरस ही ऐसी जगह देखी है जहाँ पर सुबह के टाइम बाकी जगहों पर कहीं पर ब्रेड मक्खन का नाश्ता होता है, कहीं पर पोहे का नाश्ता होता है, कहीं पर जो है क्या कहते हैं कचौड़ी अलग तरीके की सिकती है, वो नाश्ता होता है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सुबह, अब आप समझिए, ये सुबह के जो है 6 बजे 7:30 बजे जो है क्या कहते हैं यहाँ पर नाश्ता जो है आपका कचौड़ी का और बेढ़ई का होता है। अच्छा, क्या और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बेढ़ई के साथ देते हैं यहाँ पर, क्या 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 चीज़ें हैं? गीली सब्जी, सूखी सब्जी। ये गीली सब्जी, ये गीली सब्जी है, ये सूखी सब्जी है। ये गीली सब्जी किस चीज़ की है? गीली सब्जी किस चीज़ की है? आलू की। आलू की गीली सब्जी। इसमें ऊपर मिर्चें तैरती नजर आ रही, मसाला नजर आ रहा है। ये तरी है। अच्छा, ये तरी है। हाँ। अच्छा, ये सूखी सब्जी है। ये सूखी सब्जी है आलू की। ये भी आलू की सूखी सब्जी है। हाँ, चटनी और रायता। अच्छा, चटनी और रायता। हाँ, चटनी, रायता, गीली सब्जी, सूखी सब्जी, आलू की सूखी सब्जी। और खास बात यह है, यहाँ पे अगर आप पास से भी निकल जाएंगे तो आपको हींग की महक दूर से ही लग जाएगी, इतना ज़्यादा अच्छा एक टेस्ट है अपना अलग। हींग का जो टेस्ट है वो एकदम अलग है। वैसे भी हाथरस हींग के लिए फेमस है और यहाँ पे इस जगह पर स्पेशली आपको हींग की महक अलग ही दिख जाएगी। और क्या बेढ़ई में ये जो क्या आटे की करते हैं या क्या चीज़ की है ये? खस्ता तो मैदा की है, बेढ़ई आटे की है। अच्छा, कितने रुपए के होते हैं ये खस्ते और मैदे? 6 रुपए की एक है। 6 रुपए की एक है। हमें ऐसा लगता है, जितना हमने पता किया, कि हाथरस में शायद सबसे महंगे यही खस्ते हैं या बेढ़ई हैं। हाथरस में यही है खस्ता बेढ़ई, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। और खास बात यह है, आप देख सकते हैं कि सुबह के समय पे जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, तब हाथरस ही एक ऐसा शहर है, या ये कहते हैं चटोरों का शहर है, कि सुबह सुबह यहाँ पे लोग खस्ता, बेढ़ई और इससे शुरुआत दिन की करते हैं। कुछ ग्राहकों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या क्या खास है यहाँ पर। तो आइए हम बात करते हैं कुछ उन ग्राहकों से इस बेढ़ई शॉप पे,
जो लोग अभी यहाँ पे बेड़ी खाते हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत प्रताप सिंह। प्रशांत जी, आप आज पहली बार यहाँ पे आए हैं, किससे पहले आते रहते हैं? बरसों से आ रहे हैं। बरसों से आ रहे हैं। यहाँ का टेस्ट कुछ अलग हटके है कि कुछ जैसे कॉमन सारी जगह का वैसा ही टेस्ट है? ना, इनकी क्वालिटी अलग है। एक तो प्योर तेल में बनाते हैं, जो शरीर को नुकसान नहीं करता है। हींग का सारा जो भी है पूरा प्योर बनाते हैं, इसमें कोई डुप्लीकेट माल के वो नहीं है इसमें। हमने देखा यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, काफ़ी भीड़ लगती है और सुबह के टाइम ही लगती है, और सुबह के टाइम इतने सुबह और बेड़ई का नाश्ता, यानी कि सिर्फ ये हाथरस में ही है। और जगह देखा जाए तो सुबह के टाइम कहीं मक्खन ब्रेड होता है, कहीं चाय का, कहीं पोहे का, कहीं टोस्ट का, और यहाँ पे हाथरस में बेड़ई का। तो सुबह के टाइम ही आप प्रतिदिन आते हैं कि कभी कभार आते हैं? डेली बच्चों को छोड़ने आते हैं जब। पर डे प्रतिदिन आते हैं। अच्छा, क्या खासियत आपको दिखी है इनके टेस्ट में? क्या ऐसी चीज़ खास है कि जो आपको लगता है नहीं टेस्ट, जैसे किसी को सब्जी का टेस्ट अच्छा लगे, किसी को रायते का, या क्या ऐसा टेस्ट? एक तो साफ़ सफाई, दूसरा इनकी प्योरिटी, जो तेल में बनाते हैं यही है, और कुछ नहीं। एक हमारे भाई और है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। मोहित अग्रवाल जी, आप भी यहाँ पर आते हैं खाने? बिल्कुल, मेरा डेली का नियम है और मेरे जो समझ लो मेरे घर के से संबंध है। और इनकी बेड़ी हो चाहे कचौड़ी हो, दोनों में इतना स्वाद है, हींगा बड़ा ज़बरदस्त स्वाद है इनके। और जब तक ये लगे रहते हैं भीड़, इनके दुकान पर भीड़ हमेशा लगी रहती है। अच्छा, ज़्यादा देर तो ये लगाते नहीं है, तो हमने देखा 11:30 बजे तक एंड हो जाता है इनका, क्योंकि हम लोगों ने देखा सुबह 6:30 बजे से ये लगाना प्रारंभ करते हैं और 6:30 बजे से लेके और 10-11 बजे तक इनके यहाँ भीड़ लगी रहती है लगातार। सिर्फ हींग का स्वाद है, हींग के लिए इनको लोग बार बोल के जाते हैं, आपका हींग का स्वाद है, 2 घंटे खा लिए शाम तक भूख नहीं लगेगी। जैसे हमने देखा बाज़ार में और भी कई जगह खस्ते और कचौड़ी बेड़ी मिलती हैं, उनकी अपेक्षा इनके रेट भी थोड़े से अप हैं, लेकिन बावजूद इसके आप यहाँ पे खाने आते हैं? बिल्कुल खाते हैं, तो स्वाद है, मुझे स्वाद चाहिए, क्वालिटी लग रही है, मसाला लग रहा है नंबर 1 का, और क्या है। जैसा आपने देखा कि ग्राहक जो हैं वो परमानेंट हैं इनके, और क्योंकि स्वाद की वजह से यहाँ पे दूर दूर से चल के आते हैं, और ऐसा है कि लंबे समय से लोग चल के आ रहे हैं यहाँ पे लंबे समय से, और एक ही जैसा स्वाद ये हमेशा लोगों को खिला रहे हैं। अच्छा धर्मेंद्र जी, आप यहाँ पे कचौड़ी खाने हैं, पहली बार खस्ते खाने आए हैं कि पहले आते रहे हैं? नहीं, पहले भी आते रहे हैं इनके। अच्छा, क्या जी बताइए, इनका नाम अच्छा है, सब्जी में नाश्ता बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ भीड़ लगी रहती है यहाँ। इनका नाम पंडित जी, कचौड़ी वालों के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। अच्छा, क्या ऐसा टेस्ट में क्या ऐसा खास लगा आपको कि जो इनके यहाँ स्वाद है जो और जगह पर स्वाद नहीं मिलता? इनकी सब्जी में हींग वगैरह और जो मसाले वगैरह हैं वो शुद्ध मिलते हैं और बढ़िया सब्जी मिलती है। और भी बहुत सारे लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि जैसा यहाँ पे एक स्वाद है, बिल्कुल अलग तरीके का स्वाद है, और जो हींग का टेस्ट है, जो अगर आप यहाँ से सामने से निकल भी जाएँ तो महकता आपको महसूस होगा, वो हींग का टेस्ट इनकी सब्जियों में है, और साफ़ सफाई क्वालिटी को लेकर ये बहुत संजीदा है अपने ग्राहकों के लिए कि उनकी सेहत से कोई खिलवाड़ ना हो सके। और भी कई लोग हैं जो यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सीपी है। अच्छा, आप यहाँ पे पहली बार आए हैं, किससे पहले भी आते रहे हैं? मैं आता रहता हूँ। आता रहते हैं, क्या यहाँ पे कैसा क्या खास लगा इस नाश्ते में जो आप यहाँ पे आते हैं? भाई सर, बात यह है कि यहाँ क्वालिटी का कोई जोड़ नहीं है, यहाँ पूरे शहर के लोग नाश्ता करने आते हैं, यहाँ प्योर तेल में बढ़िया हींग के साथ बहुत बेहतरीन नाश्ता बनाया जाता है। तो आज हमने अपने कार्यक्रम इंडियन जायके में जाना बेड़ही के बारे में और उस स्वादिष्ट सब्जी के बारे में जिसमें हींग की महक बड़ी दूर तक फैलती है। हम अपने अगले एपिसोड में आपके लिए कुछ और नई चीज़ें लाएंगे, तब तक देखते रहिए TV30India.com।